चलिए देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आपका मोर ऑन विंडोज का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि विंडोज हमारा क्या होता है, और हमने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल सर जा करके हमने ये भी देखा था कि उसमें कैसे प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करते हैं और कैसे बाकी सारे चेंजेस करते हैं। कुछ चीजें उसमें आपके रह गई थी जिसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग को क्या बिल्कुल करना है, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं, कि अगर कभी आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत दिखाने लग रही है तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे आप उसको सही डेट और टाइम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका आपका क्या है, दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन एरिया से चेंजेस कर सकते हैं अपने डेट और टाइम में, या तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने कंट्रोल पैनल अभी लास्ट टाइम पढ़ा था, कंट्रोल पैनल में जा करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपना डेट और टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो आसान वाला है पहले हम उस पर चलते हैं कि कैसे हम डेट और टाइम चेंज करेंगे। देखो, हम अब एक स्क्रीन आपको शेयर करेंगे, उस स्क्रीन में आपको दिखता रहेगा, हम जो जो काम करते जाएंगे वो आपको सारा काम इसमें दिखता रहेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आ जाए, ठीक है। सर कंप्यूटर सबको, ठीक है। ये जो आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ ये नीचे देखो आपको डेट और टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, दिख रही है सबको? सर देखो यहाँ पे जैसे ही हम माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है वेंसडे, और यहाँ पे आपका अगस्त 5, 2020 ये डेट दिखा रहा है आपको, और दिन भी दिखा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है, या जैसे टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 11 बज करके, जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं हमको, मान लीजिए डेट चेंज करनी है, यहाँ पे 5 अगस्त की जगह हमको 6 अगस्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैलेंडर, डेट, टाइम, सारी चीजें खुल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल डेट एंड टाइम सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है पूरा। जैसे ही आप डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप यहाँ से आ जाएंगे इस पे कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है डेट एंड टाइम। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, यानी जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी से वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम को सिंक कर लेगा, यानी जो भी आपका टाइम चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेट और टाइम को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। उसी तरह से यहाँ पे टाइम और डेट दोनों का दिया हुआ है कि आप दोनों कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं अपने को डेट और टाइम डालना, आप क्या करेंगे, पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको चेंज कर देंगे तो अभी देखो तो यहाँ चल चेंज चेंज डेट एंड टाइम दिख रहा है सबको, सर तो चेंज डेट एंड टाइम पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो डेट मान लीजिए हमको यहाँ पे सितंबर करना है, तो हम यहाँ पे कर दिया हमने सितंबर, और यहाँ से हमने कर दिया डेट आपकी फिक्स कर दी। यहाँ पे अगर 2019 होगा तो 2019, 2020 है तो 2020, ठीक है, इसको करेंगे। यहाँ से टाइम में जो चेंजेस करना होगा वो टाइम में चेंजेस करके यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे आप जब देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाने लगा आपका, आप देखेंगे नाइन सितंबर दिखाने लगा, दिख रहा है आपको, नंबर दिख गया ना। तो अब ये तो गलत हो गया, अब आ हमको इसको वापस सही करना पड़ेगा, अगस्त में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, या तो हम फिर से जाएंगे चेंज पे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से गया आपका क्या लेंगे, अगस्त लेंगे और इसको फिर से सर। चेंज करेंगे, मगर तब भी क्या हो रहा है, अब आज की डेट तो कितनी, यहाँ 5 अगस्त है। देखो आप एक काम करते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक ऑन करते हैं, इसको ऑटोमेटिक कर दिया अच्छा और इसको भी ऑटोमेटिक कर दिया, तीनों चीजें हमने ऑन कर दी ऑटोमेटिक करके। अब क्या हो रहा है, जब ऑन कर दिया अब देखिए क्या डेट दिखा रहा है, फाइव अगस्त 5 दिखाने लगा, मतलब अब ये क्या हो गया, इसने ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट कर लिया, ठीक है, सर समझ गए इसको। अब सर
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बस एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। यस सर। आपने क्या देख लिया, आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग डेट और टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं, और अभी हम लोगों ने जो जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे स्टेप्स आपके बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम कहाँ गए, फिर हम कहाँ पे गए, फिर हम कहाँ पे गए। अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग डायरेक्ट गए थे आपके कहाँ पे, डायरेक्ट नोटिफिकेशन एरिया पे गए थे, वहां से फिर हमने क्या लिया था, डेट और टाइम ऑप्शन लेकर के वहां से हमने उसको एडजस्ट कर लिया था। अगर हमसे बोला जाता कि आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल से जाकर के उसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं हम कंट्रोल पैनल में। देखिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लॉक लैंग्वेज रीजन, इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, देखो अभी आ गया चेंज डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया ना, जो भी डेट आपको लेनी हो वो डेट आप यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर टाइम दे देंगे और इसको क्या कर देंगे, ओके, और यहाँ से भी ओके कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। एक चीज इसमें और होती है आपका रीजन चेंज करने के लिए, रीजन में क्या होता है, ये आपकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है, जैसे हमको आपको पता है कि कभी कभी हमेशा क्या होता है कि आपके किसी दूसरी जो कंट्री होती है वहां पे कोई और टाइम होता रहता है, और हम लोग क्या कोई और टाइम होता है, आपके वर्ल्ड में पूरी पूरी दुनिया में कुछ ऐसी भी कंट्रियां हैं जहां पे इस टाइम रात होगी, ऐसा होगा भी नहीं होगा, अमेरिका में यूएसए, हाँ वहां पे क्या होगा, इस टाइम रात होगी, तो क्या देखना है, अगर वो रीजन आपको चेंज करना है, आपको इंडिया, अमेरिका, यूएसए, आपको कनाडा लेना है, आपको चाइना लेना है, आपको जो भी लेना है, चाइना तो हमको और आपको किसी को नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ से उसका हम लोग रीजन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीजन पे जाएंगे, देखो अभी क्या लगा हुआ, यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, बोलिए क्या लेना पड़ेगा आपको, यूएसए लीजिए, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया लेंगे कि यूएसए लेंगे, यूएसए तो पहले ही था, यूनाइटेड स्टेट, ठीक, देखो यहाँ से इंडिया लेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक, समझ गए ना, तो अब ये रीजन क्या हो गया, हम लोग इंडिया में, अब अपना जो भी डेट और टाइम रहेगा वो इंडिया का ही ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, समझ गए इसको, यस सर। चलो अब नेक्स्ट और आगे चलते हैं, अगला क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके, उसमें डेट और टाइम चेंज करना आ गया आप लोग को, यस सर। अब देखो माउस की सेटिंग चेंज करने के लिए बोल रहा है, जो आपका माउस का पॉइंटर दिख रहा है या और जो चीजें दिख रही है वो सब आपको चेंज करने का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, कैसे इसको चेंज करना है, देखो माउस के लिए आपके बुक में दिया हुआ, अब इसको आप लोग पढ़ पढ़ के बताइए, फिर मैं उसको करता जाऊंगा। यहाँ पे आपका पेज नंबर है 32, पेज नंबर 32 पे जाइए और आप लोग अब स्टेप्स बताइए, मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऋषिता स्कीन द हार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी में जाना है कंट्रोल पैनल के, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल, देखो कंट्रोल पैनल में आ गए, अब उसके बाद कहाँ जाना है, हमको क्या लिखा हुआ है, ब्राइट एंड पेंट, कहाँ गए आप, हम लोग यहाँ पे लिखते चलना, ठीक है, कंट्रोल पैनल में गए पहले, फिर अब ये फॉरवर्ड एरो बटन है, तो फॉरवर्ड एरो बटन का मतलब होता है नेक्स्ट, आप नेक्स्ट किस चीज पे जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट आप कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं साउंड हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी, सर
हार्डवेयर एंड साउंड कहीं दिख रहा है हार्डवेयर और साउंड आप लोग को? यस सर। दिख गया? यस सर। मिल गया। जैसे उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इसके बाद आपको क्या लेना है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर कहीं दिख रहा है? यस सर। तो हम लोग कहाँ गए, हार्डवेयर और साउंड में गए, उसके बाद कहाँ गए हम लोग? Devices and printer में चले गए। अब उसके बाद कहाँ जाना है हम लोग को, फिर से devices and printer पे क्लिक कर देते हैं। देखो जैसे ही devices and printer पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी devices इसमें कनेक्टेड होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखो आपका ये ब्लूटूथ है, आपका डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख गया द माउस। अब इसमें क्या करना है, माउस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो इसका प्रॉपर्टीज दिखेगा, क्या दिखेगा, प्रॉपर्टीज। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, देखो अब यहाँ पे आ गया इसका सारा, इससे रिलेटेड क्या है, ये यूएसबी ऑप्टिकल माउस है, हार्डवेयर में इसका दिखा देगा कि कौन कौन सा आपका डिवाइस है, फिर यहाँ पे आप और जाकर के इसके प्रॉपर्टीज में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स इवेंट ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अब और क्या दिया हुआ है इसमें आपके, बटन्स का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट बटन कैसे यूज करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, दोबारा से जाते हैं कंट्रोल पैनल पे, फिर हम लोग गए थे हार्डवेयर और साउंड पे, फिर हम लोग कहाँ गए थे, डिवाइसेस में और प्रिंटर में, उसके बाद देखिए डायरेक्ट अब यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइसेस एंड प्रिंटर में नहीं जाएंगे, इस बार हम कहाँ जाएंगे, माउस पे जाएंगे। जैसे ही माउस पे जाएंगे देखिए अभी आपका क्या हो गया, माउस प्रॉपर्टीज का आपका एक ऑप्शन आ गया। इसमें देखो सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है बटन कॉन्फ़िगरेशन। बटन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आप लेफ्ट वाले बटन से, अभी तक क्या होता है जब आपको कोई मेन्यू ओपन करना होता है तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आपको शॉर्टकट मेन्यू यूज करना होता है तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लेफ्ट वाला बटन है वो राइट वाले का काम करे और जो राइट वाला बटन है वो लेफ्ट वाले का काम करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। देखो अभी तक लेफ्ट वाले पे दिखा रहा था ना ऑप्शन, अब वो किस पे चला गया, राइट वाले पे, राइट वाले पे चला गया। यानी अब जब हमको क्लिक करना होगा तो हम किससे, लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, और जब आपका राइट बटन हम प्राइमरी बना देंगे तो जो आपको सिलेक्शन का काम करेगा वो फिर आपका राइट वाला माउस बटन काम करेगा, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ पॉइंटर, अभी ये जो पॉइंटर एरो दिखा रहा है, हम चाहते हैं इस पॉइंटर की जगह हमको कोई और आइकन मिल जाए, हमको प्लस का साइन मिल जाए, या हमको ये वाली पेन का साइन मिल जाए, या जो भी हमको चाहिए। चलो बताओ तुम लोग, ये हाथ का ले ले सिंबल, यस सर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो माउस वाला पॉइंटर होगा, जैसे ही आप किसी चीज पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसके सिंबल में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये आपका हाथ के सिंबल में चाहिए। देखो आ रहा है ना, ऐसा देखो। अब इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल करने के लिए फिर से हमको पॉइंटर पे जाना पड़ेगा, पॉइंटर पे जा करके आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये आपका एरो दिख रहा है ना, और यहाँ से इसको कर देंगे ओके, दिख गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये क्या होता है ना, चेंज हो जाता है, अभी इसमें चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही हम जो भी ऑप्शन लेंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने क्या किया था, अभी हमने स्टॉप का सिंबल लिया था, तो वो स्टॉप वाला सिंबल आपके माउस वाला जो एरो बटन है ना उसकी जगह पे वो वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको डिफॉल्ट में ले जाना पड़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यूज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक। तो माउस पॉइंटर आप कहाँ से चेंज करेंगे, माउस में जाएंगे, यहाँ से पॉइंटर पे जाएंगे, और यहाँ से आपको जो भी पॉइंटर अच्छा लग रहा हो उस पॉइंटर पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट पे ही इसको सेट कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट आपने क्या दी हुआ माउस में और क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, पॉइंटर का ऑप्शन यानी तेज चलेगा कि धीमे चलेगा। अभी जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे इसको कर दिया स्लो, जब हम स्लो कर देंगे तो देखो माउस हम बहुत पहले ले जा रहे हैं मगर ये क्या हो रहा है एकदम धीमे धीमे फिसल रहा है ना यहाँ से, और यहाँ से फिर आप जितना इसको स्पीड करेंगे उतना तेजी से माउस आपका काम करेगा। जैसे इसको हम स्क्रॉल करके और थोड़ा सा आगे ले आ रहे हैं यहाँ तक ले, अब ये क्या हो रहा है तेजी से काम करने लगा ना, पहले इतना तेज चल रहा था क्या? नहीं। अच्छा इसमें देखो एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जैसे ये दिया डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स, इसमें क्या होगा जिस तरफ आपका माउस पॉइंटर जाएगा उधर उसकी ढेर सारी शैडो और ये सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी। देखो जैसे इस पर क्लिक कर दिया दिख रहा है? यस सर। दिखने लगा ना क्या हो रहा है, जिधर आपका एरो जा रहा है कुछ उसका जैसे लग रहा है कि और छोटे छोटे एरो उसका पीछा कर रहे हैं ना, जैसे आप रोक देंगे फिर एक ही एरो दिखने लगेगा। दिखा Yes, ये सब भी आप सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं माउस में जा करके, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक इतना समझ में आ गया? Yes, sir. और क्या लिया हुआ है, अब पावर सेविंग मोड दिया हुआ है। पावर सेविंग मोड का किसके लिए यूज करते होंगे आप लोग को क्या लगता है? देखो ये पावर ऑप्शन यहीं पे दे रहा है दिख रहा है ना? Yes, sir. पावर सेविंग मोड का पहले काम क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप हमारा क्या होता है बैटरी पे काम करता है। यस सर। ठीक तो कभी कभी क्या होता है जैसे बैटरी थोड़ा सा कम हो गई लो हो गई उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जब हम पावर सेव मोड ऑन कर देंगे जो आपके बिना काम की चीजें होती हैं उनको आपका विंडोज क्या करेगा बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोन में जब आपके फोन में क्या होता है 20% से कम बैटरी आ जाती है जो आपके फोन का एंड्रॉइड सिस्टम होता है वो बार बार आपको बताएगा कि आपकी बैटरी क्या हो गई सिर्फ 20% बची हुई है, सिर्फ 18% बची हुई है, ओनली 15% बैटरी बचाता है। हाँ दिखाता है फिर उसमें पूछता होगा आपसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पावर सेव मोड ऑन कर दिया जाए जिससे थोड़ा सा बैटरी और देर तक आपकी चलेगी, तो जब आप पावर सेव मोड ऑन कर देते हैं क्या हो जाता है आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, होता है ना? और क्या होता है जब आप पावर से मोड ऑन कर देंगे इंटरनेट बंद हो जाएगा, जो आपके डिस्प्ले का ब्राइटनेस रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी पावर से मोड होता है जिससे वो पावर के कंजम्पशन को कम करता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम। जैसे हमने अभी आपको कौन से सॉफ्टवेयर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम आपको जूम पे पढ़ा रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं जूम पे पढ़ा रहे हैं। तो ये आपने क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हमको रिक्वायरमेंट है कि किसी अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर की सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसपे आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है अब मान लीजिए हमको क्या करना है अपने कंप्यूटर में कोई एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे पहले उस सॉफ्टवेयर को हमको वहां तक जाना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना है, मान लीजिए हमको इंस्टॉल करना है कौन सा सॉफ्टवेयर, हमको मान लीजिए वीडियो एडिटर 64 हम लोग को इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या तो उसको आपने जिस भी लोकेशन में अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे कोई चीज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है देखो वन बाय वन इसको हम लोग लिखते जाते हैं, आप लोग को ये सारी चीजें नोट्स में बनानी पड़ती होंगी ना, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर इंस्टॉल करना है सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर तक आपको जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं हमने कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर रखे हुए हैं, हमको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मान लीजिए हमको इंस्टॉल करना है वीडियो एडिटर 64 को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा अगर वो सीडी या डीवीडी में है या इंटरनेट पे है या तो आपके कंप्यूटर में, तो पहले हमको उस सॉफ्टवेयर के लोकेशन तक जाना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो पहले सॉफ्टवेयर
और आपके कंप्यूटर के किसी ड्राइव में भी हो सकता है, किसी फाइल या फोल्डर में हो सकता है, रखा हो वहां से सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें स्टेप नंबर टू में क्या करना, ये स्टेप टू में क्या होगा, उस वाले सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक। हमको उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपकी बुक में कैसे कैसे दिया हुआ है। डबल क्लिक करने के बाद इसमें देखो दिया हुआ है कि आप सीडी से और ऑनलाइन स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन इसको इंस्टॉल करना है। तो क्या करना है, देखो आप इसके दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक। जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे अब इसका जो इंस्टॉलेशन का विंडो है वो आपके सामने दिखने लगेगा आपको। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ा सा। ठीक है, अब जो भी आप सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड करेंगे देखो यहाँ पे ये दिखा देगा कि ये VSDC ये एडिटर है, इसको आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर में कि नहीं चाहते, तो हम यहाँ से इसको करेंगे यस मैं चाहता हूँ। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ले लिए इंग्लिश या जो भी इसमें लैंग्वेज, अगर कोई और हमको चूज करना है तो जो भी इसमें लैंग्वेज दी हुई है वो लैंग्वेज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। ठीक, उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, लोकेशन पूछेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोकल डिस्क डी में ई में कि किस में करना चाहते हैं। वो सारे लोकेशन आप देने के बाद वैसे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब कौन से ड्राइव में जाकर सेव होते हैं, वो सब के सब आपके जा करके लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो लोकेशन देने के बाद आप उसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। इन केस अब हमको बाद में रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल ही कर देते हैं, जैसे हमको इंस्टॉल करना है चलो हम इंस्टॉल करते हैं ये जो विनरार 561 दिया हुआ है ना, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब देखो ये भी पूछ रहा है कि आपको अपने विंडोज जो आपका ड्राइव है उसमें आपको चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं इससे रिलेटेड, यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे आप यहाँ से फिर देखो इंस्टॉल बोल रहा है ना इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका चल रहा है और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखो ये वाला सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया आपके कंप्यूटर में। ठीक है, फिर बाद में हमको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, फिर से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल देखो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना प्रोग्राम्स, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे क्या हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, विनरार 561 देखो ये यही वाला इंस्टॉल किए थे ना, यस सर, जो आपने इंस्टॉल किया था उस वाले सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, इस पे अनइंस्टॉल पे। जैसे ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे अब ये पूछेगा क्या आप इसको सही में अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, हम करेंगे यस इसको अनइंस्टॉल करना है। देखो अभी हट जाएगा, हट गया यस सर। ठीक है, समझ गया ना कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ा था, फिर कहाँ गए, कंट्रोल पैनल के बाद कहाँ गए, फिर हम लोग गए फिर वहां से हमने क्या चूज किया, वहां से हमने चूज किया अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। हम लोगों ने उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो अनइंस्टॉल करना है।
हमारे कंप्यूटर से जिसको अनइंस्टॉल करना है वो हमको लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या करना है उस लिस्ट में से फिर हमको किस बटन पे हो जाएगा आपका प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में से हट जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि अगर हमको इंस्टॉल करना है हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रोग्राम पे जाएंगे और उस प्रोग्राम पे जाने के बाद उस पे इंस्टॉलेशन का जो भी उसका प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। और जब अनइंस्टॉल करना होता है तो हमको कंट्रोल पैनल में फिर प्रोग्राम में जाना पड़ता है, प्रोग्राम के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हमको अपने कंप्यूटर में से हटाना है और उसके बाद अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर से हट जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपनी बुक में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे आपका आपने इसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल किया है। कभी कभी क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हैंग कर जाता है, देखा है आप लोगों ने कंप्यूटर में या मोबाइल में हैंग हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम हैंग हो रहा है, जो भी आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख किया जाता है, यानी अब उस प्रोग्राम से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपके टास्क बार होती है इस पे आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टास्क मैनेजर मिलेगा। क्या मिलेगा, टास्क मैनेजर। कुछ चीजें को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक फोल्डर ओपन कर लिया, हमने दुर्गेश नंदिनी का एक फोल्डर ओपन कर लिया, फाइल एक ओपन कर ली, ठीक है। अब जूम भी ओपन है, आपका क्रोम भी ओपन है, आपका ये सारा चार पांच सौ प्रोग्राम ओपन है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो आपका प्रोग्राम्स एंड फीचर्स वाला ऑप्शन है ये हैंग हो गया, फंस गया, अभी काम नहीं कर रहा है, इसको अब बंद ही नहीं कर पा रहे हम, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम टास्क बार पे जाएंगे, यहाँ से क्या लेंगे, टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टास्क मैनेजर पे जाएंगे यहाँ पे आपको देखो क्या होगा, जो जो आपका काम चलता रहेगा आपके कंप्यूटर में उन सब चीजों की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको गूगल क्रोम हम लोग चला रहे थे, हम लोग वर्ड जूम मीटिंग ऑप्शन मिल रहा है, हमको क्या बंद करना था, हमको बंद करना है किसका, गूगल क्रोम बंद करना है, तो गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, एंड टास्क पे क्लिक कर देंगे। देखो अभी यहाँ पे क्रोम चल रहा है बेटा, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, जैसे ही एंड टास्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोम आपका बंद हो जाएगा, बंद हो गया कि नहीं। और उसी तरह से अगर वर्ड भी बंद करना है तो वर्ड भी यहीं से एंड टास्क करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम जूम भी इसी में बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, आपकी जो अभी क्लास चल रही है, जो आपकी मीटिंग चल रही है, वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इसीलिए हमको इसको बंद नहीं करना है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कैसे, अगर जैसे कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है सही से, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसके लिए टास्क बार पे जाएंगे, टास्क बार में से आप उसको टास्क मैनेजर पे जाएंगे, वहां से आपका जो भी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा होगा उसको या तो आप बंद कर देंगे या तो उसके रिस्पॉन्ड करने तक उसका वेट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसका, यस सर। और कुछ है आपके जो भी आपका चैप्टर था उसमें कुछ और ऐसा रह गया जो आपको नहीं आता है? सारे ऑप्शन हमने करके देख लिया ना, देखिए एक इसमें ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, ट्रबल शूटिंग, अगर जैसे आपकी कोई फाइल ओपन नहीं हो रही है, आप उसको नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए ट्रबल शूट पे जाना पड़ता है और उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपके कंप्यूटर में कोई एरर हो, जैसे अभी हम करके दिखाते हैं। देखिए फिर से आपको स्क्रीन मिलने लगी पूरी ना, यस सर। देखिए जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, हम जब ये वाली फाइल खोलने जा रहे हैं तो ये वाली फाइल आपकी नहीं खुल रही है, उसके लिए क्या होता है, अभी देखो इसमें कोई जब एक्सक्लेमेशन साइन आता है ना, येलो कलर का एक ऐसे आइकन बन जाएगा तभी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसको पहचानने का क्या तरीका रहता है, उसमें एक सिंबल बन जाता है, वो सिंबल कुछ इस तरह का होता है। अच्छा
या किसी प्रोग्राम में या फाइल में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा। तो ये क्या होता है, फिर इस पे क्या होता है, जैसे आपको इस पे क्लिक करने पे आपको क्या मिलना है, आपको प्रॉपर्टीज मिल जाना, उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या होगा, ट्रबल शूट का ऑप्शन मिलेगा। ट्रबल शूट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपके फाइल में, फोल्डर में, प्रोग्राम में प्रॉब्लम रहेगी तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी ट्रबल शूट करने से। ठीक है, ट्रबल शूट में हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम में या किसी फाइल से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सही करने के हम लोग ट्रबल शूट का यूज करते हैं। समझ गए इतना? ठीक है, चलो अब बाकी का काम क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टर्न पे अगला एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका आपका क्या नाम है, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट सॉरी वर्ड, एमएस वर्ड में आप लोग ऑब्जेक्ट्स कैसे ले आएंगे, कैसे उसमें इमेजेस ले आएंगे, कैसे उसमें एक्शन सीट ले आएंगे, कैसे उसमें और भी चीजें पार्ट वगैरह कैसे ले आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्या होगा, आप लोग इस पहले पूरे चैप्टर को दोबारा से पूरा स्टडी करेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे उनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको एक बार हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो चीजें आपको नहीं आ रही होंगी उसको हम लोग दोबारा से बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, वेलकम। बाय सर। वेलकम बेटा, वेलकम।